हाँ, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, केवल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का सिंपल सा मतलब ये है, अ लैंग्वेज इन विच अ कंप्लीट प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस, जहां पर एक मेन फंक्शन है एंड दैट मेन फंक्शंस इंटरनली डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स, मल्टीपल स्मॉल स्मॉल फंक्शंस। और मैं तो ये बोलता हूं बॉस, आज अगर किसी लैंग्वेज को एग्जिस्ट करना है मार्केट में, सो इट मस्ट बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि मान लो एक क्लास है, कोई भी नाम से, सपोज देयर इज अ क्लास एंड दिस क्लास कंसिस्ट सम फंक्शन, तो मेन हमेशा बॉटम से अप की ओर जाएगा एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, केवल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और C++ इन तीनों में कहां स्टैंड करती है, क्योंकि बात हम कर रहे हैं C++ की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहां पे वन बाय वन, प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। तो सीरीज वन, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज इज द कॉन्सेप्ट दैट कि जहां पर आप के टोटल प्रोग्राम को मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड किया गया है, कि देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एंड योर कंप्लीट प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। कि यदि मान लो हम बात करें कि ये मेरा एक मेन फंक्शन है एंड दैट मेन फंक्शंस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल एंड दिस स्मॉल मॉड्यूल्स आर बेसिकली कॉल्ड फंक्शंस, फंक्शन वन, फंक्शन टू, ठीक है, फंक्शन थ्री। तो जब भी हम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, सो यहां पर आप हमेशा देखेंगे अ कंप्लीट प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। यू कैन से दैट फंक्शंस और सब रूटीन्स और प्रोसीजर्स, कि आपका पूरा प्रोग्राम छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइडेड है, और इसीलिए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज को फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का सिंपल सा मतलब यह है, अ लैंग्वेज In which a complete program is divided into multiple functions, जहां पर एक main function है and that main functions internally divided into multiple small small modules, multiple small small functions. One the most important factor about this language, कि जब भी हम procedure oriented language की बात करते हैं, तो it follows the top down approach. ये follow करती है top down approach को, ठीक है। procedure oriented language always follows the top down approach. जैसे for example, ठीक है, अभी हमने सी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो, ठीक है, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देखो आप, कि जब हम सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक्चुअली हमारा प्रोग्रामिंग थॉट क्या होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं मेन एंड इनसाइड दिस मेन अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, सपोज XYZ, सो दिस XYZ फंक्शन डिफाइन आफ्टर द मेन, ये मेन के बाद डिफाइन होता है, राइट। तो यहां पर आप देखिए प्रोग्राम क्या है, मेन इज अ मेन फंक्शन एंड देन आफ्टर विल कॉल XYZ inside this main function, तो आपका प्रोग्राम टॉप से बॉटम की ओर आएगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, कि हमेशा प्रोग्राम टॉप से टॉप डाउन की ओर आता है, वाइल इन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे, सो इट इज अ बॉटम अप अप्रोच। जो अभी हम आते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज मेनली डिवाइडेड इंटू मल्टीपल मॉड्यूल्स एंड दिस मॉड्यूल्स आर बेसिकली कॉल्ड फंक्शंस और सब रूटीन्स और प्रोसीजर्स, but mainly we can say that this is a function and that's why the reason ki procedure oriented programming language ko hum function oriented program language bhi kaha jata hai, theek hai। aur procedure oriented jitni bhi languages aap dekhenge that all follows the top down approach, ki in the top you have a main function and then after all the function jo likhe jayenge wo main ke baad likhe jayenge। so always jab function call hoga to ye top se bottom ki or hoga, it is always be from top to bottom approach। So that's for the reason this language is called top-down languages या top-down approach languages, right? लेकिन अब question है sir, which are the languages जो कि procedure oriented languages हैं? तो there are so many languages like C, Pascal, COBOL, ये जो languages थी, this all are called procedure oriented programming language। There is no object oriented concept in this languages, C, Pascal,
ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस हैं, दिस लैंग्वेजेस आर बेसिकली कॉल्ड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोबोल एक बहुत पुरानी लैंग्वेज थी, कोबोल, ठीक है, सी। तो यहां पर कहीं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट की या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात नहीं करते हैं, दिस इज कंप्लीटली अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। तो यहां पर लेकिन अब बात यह है कि सर प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आर देयर, देन व्हाई वी नीड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो व्हाई पे हम अभी आते हैं, लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड वेयर सी प्लस प्लस स्टैंड्स हियर, कि सी प्लस प्लस यहां पे कहां स्टैंड कर रही है, राइट। तो अब इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हालांकि अभी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स आपको नहीं बता रहा हूं, राइट नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दिस लैंग्वेजेस, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब ये है, अ लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम इज कंप्लीटली डिवाइडेड इंटू मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्लासेस, ठीक है, कि जहां पर प्रोग्राम क्लासेस में डिवाइडेड है, ऑब्जेक्ट में डिवाइडेड है। और यू कैन से दैट अ लैंग्वेज वो फॉलोज द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कि जहां पर थॉट प्रोसेस जो होती है प्रोग्रामिंग की, वो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्मेट में होती है। आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो आप समझिए, अभी हमने ना क्लास की बात की है ना अभी हमने ऑब्जेक्ट की बात की है, बट डोंट वरी, पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, एंड देन आफ्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या, अ लैंग्वेज वो फॉलो सर्टन फीचर्स, एक ऐसी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट में काम करती है, एक ऐसी लैंग्वेज जहां प्रोग्राम मल्टीपल क्लासेस और ऑब्जेक्ट में डिवाइडेड होता है, कि जहां पर वी विल टॉक अबाउट देयर इज अ मल्टीपल क्लासेस, ठीक है, ये क्लास है, दिस इज अ क्लास वन। जैसे अभी हमने बात की कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शन, व्हाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्लास, सी दिस वन, एंड हियर वी हैव अ मीन, ठीक है। सो हियर द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्लासेस, जहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट, क्लास के थॉट से हम कोड लिखेंगे, दैट इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जैसे मैंने भी आपको बोला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब अ लैंग्वेज वो फॉलो द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये क्या फीचर्स हैं जिनके अभी हम बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पर अभी केवल लिस्ट आउट कर रहा हूं, इन फीचर्स को हम डिटेल में बात करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है इस पे डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में, राइट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं, सी दिस वन, फीचर्स लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, फीचर्स लाइक डेटा हाइडिंग, ये है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। द फीचर्स लाइक एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, दीज आर द फीचर्स, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो दिस लैंग्वेज सपोर्ट दिस फीचर्स, ठीक है, जो सी प्लस प्लस में आपको मिलेंगे, जो जावा में आपको मिलेंगे, जो पाइथन में आपको मिलेंगे, जो पीएचपी में आपको मिलेंगे, जो स्काला में आपको मिलेंगे, जो जावा स्क्रिप्ट में आपको मिलेंगे, जो पर्ल में आपको मिलेंगे। और मैं तो ये बोलता हूं बॉस, आज अगर किसी लैंग्वेज को एग्जिस्ट करना है मार्केट में, सो इट मस्ट बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि आप आज के डेवलपर हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये अब जो जमाना है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट का है। प्रोसीजर वॉज द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट, पास्कल, कोबोल, ओल्ड लैंग्वेजेस थी, सी ओल्ड लैंग्वेजेस है, राइट। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज वो सपोर्ट द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो सी प्लस प्लस है। तो यदि किसी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से हम कोड लिख रहे हैं, जहां पर आपका प्रोग्राम मल्टीपल क्लासेस में डिवाइडेड है रादर देन मल्टीपल फंक्शन के, कि अभी हमने बात की, ठीक है, कि वन लैंग्वेज वेयर द टोटल प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शन, एंड दैट इज अ फंक्शन ओरिएंटेड, दैट इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। बट वेन द लैंग्वेज डिवाइडेड इन मल्टीपल क्लासेस, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब वो लैंग्वेज जो इन फीचर्स को सपोर्ट करती है जिसकी मैं बात कर रहा हूं,
जो अभी हम डिटेल में वन बाय वन एक एक फीचर्स को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये तो वो कॉन्सेप्ट है बेटा जिनको तो हमें घोट के पीना है। इतने डिटेल में जाके हम इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम केवल इनके नाम लिख रहे हैं यहां पे, क्योंकि मुझे अभी आपको डिफरेंस बताना है प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड। ओके, अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि इफ लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन इट फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, इट इज अ बॉटम अप अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑलवेज फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब हम कोड लिखते हैं तो आप देखिए, जब हम सी प्लस प्लस में कोड लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्लास, ठीक है, देयर इज अ क्लास, ओके, एंड देन आफ्टर क्लास हम यहां लिखेंगे फंक्शन मेन। मतलब यू विल ऑलवेज फाइंड फंक्शन इन द बॉटम एंड क्लासेस इन द टॉप। कि मान लो एक क्लास है, कोई भी नाम से, सपोज देयर इज अ क्लास एंड दिस क्लास कंसिस्ट सम फंक्शन, तो मेन हमेशा बॉटम से अप की ओर जाएगा, एंड दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, जो हमने बात की थी, द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच, व्हाइल बॉटम व्हाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जब भी फॉलो करेगी, ये हमेशा, सी दिस वन, जो भी हमने बात की थी, इट ऑलवेज फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, दिस इज व्हाट, कि आपका मेन सबसे टॉप पे होगा और फंक्शन हमेशा नीचे होंगे, ये मैंने एग्जांपल दिया था। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमेशा मेन सबसे डाउन में होता है और क्लासेस सबसे टॉप पे होती है, एंड दैट्स व्हाई द मेन से प्रोग्राम क्लास की ओर जाता है, बॉटम से अप की ओर जाता है, एंड दैट इज अ बॉटम अप अप्रोच। तो आई होप कॉन्सेप्ट अभी आप केवल समझ पा रहे हैं कि यदि हम किसी लैंग्वेज को ये बोल रहे हैं कि इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो क्या थॉट प्रोसेस होगी हमारी प्रोग्रामिंग करने की। और यदि हम ये बोल रहे हैं कि लैंग्वेज इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमारी थॉट प्रोसेस किस तरीके से होगी, जहां पर हम सी प्लस प्लस में दोनों थॉट की बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली सी प्लस प्लस जो है इट इज सी विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वहां पर हमें प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट भी मिलेंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट भी मिलेंगे, लेकिन सी प्लस प्लस इज मेनली यूज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो हम भी जो मेजर फोकस करेंगे सी प्लस प्लस में, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट पे करेंगे, जहां पर हम इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, ये तो मैंने कुछ लिखे हैं अभी। ठीक है, तो ये तो हमने बात की प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन इन दोनों के बीच में एक लैंग्वेज है विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, अब सर कौन सी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? तो अभी मैंने आपको बताया जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, पीएचपी, रूबी, रूबी ऑन रेल देयर इज अ लैंग्वेज, ओके, स्काला, ठीक है, स्विफ्ट, पाइथन, दिस आर द लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से कोड लिखती है। लेकिन सी की हमने बात की, पास्कल की हमने बात की, कोबोल की हमने बात की, जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है, राइट। तो अब आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो जो इन सारे फीचर्स को सपोर्ट करे, ध्यान से सुनना, जिसमें इनहेरिटेंस भी है, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन भी है, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म भी है, क्लास भी है, ऑब्जेक्ट भी है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक और तरीके से डिफाइन करूं, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बेस्ड प्लस इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्लस इनहेरिटेंस, ध्यान देना, ठीक है, कि यदि मैं बोल रहा हूं कि एक लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, दैट मींस ये है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्लस इनहेरिटेंस। तो एनीवन कैन गेस ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी? अगर हम ये बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो है जो सारे फीचर्स को सपोर्ट करती है, दिस ऑल फीचर्स सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ही हमने एक डेफिनेशन ये भी दी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस ऑब्जेक्ट बेस्ड प्लस इनहेरिटेंस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जो सारे फीचर को सपोर्ट करे, और मेरे बच्चे जिसमें इनहेरिटेंस को छोड़ के बाकी के फीचर्स हैं, जहां पर क्लास है, जहां पर ऑब्जेक्ट है, केवल नहीं है तो क्या नहीं है, इनहेरिटेंस, दिस इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां आपको पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा, जहां आपको हाइडिंग मिलेगी, जहां आपको क्लास मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, इनहेरिटेंस। ये क्या प्रॉपर्टी है, ये तो बात की बात है, बट
जो भी लैंग्वेज आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेजेस डोंट हैव इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। तो क्या कोई ऐसी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, जिसमें सारे फीचर है इनहेरिटेंस को छोड़ के? बिल्कुल, देयर इज अ लैंग्वेज वीबी, कभी आपने नाम सुना है, विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में लाया गया था एक नई लैंग्वेज के साथ, जिसका नाम था VB.NET। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन VB एंड VB.NET। विजुअल बेसिक और विजुअल बेसिक .NET में डिफरेंस है। विजुअल बेसिक 6.0 जो वर्जन है वो आज भी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन लेटर ऑन जब इस लैंग्वेज में अपडेशन किया गया, सो दिस लैंग्वेज नाउ इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट द नेम इज विजुअल बेसिक .NET। ठीक है, तो ये रीजन है व्हाई VB.NET, व्हाई द डिफरेंस बिटवीन VB एंड VB.NET। कि जब माइक्रोसॉफ्ट में हम .NET प्लेटफॉर्म पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस डिफरेंसेस की बात करते हैं। हमें तो अभी C++ की बात करनी है, लेकिन नॉलेज तो कहीं से भी मिले तो ले लेना चाहिए ना। कभी इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछ लिया, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कम से कम वहां ये लेक्चर काम आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे। तो एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि हमने बात की थी कि आज जो हम डिस्कस करने वाले थे, अभी जो हमने बात की वो बात की प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड क्या डिफरेंसेस हैं, और C++ इसमें कहां स्टैंड करती है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने बात की प्रोसीजर ओरिएंटेड, जहां पर मैंने आपको बताया कि अ लैंग्वेज इन विच अ प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस, स्मॉल मॉड्यूल्स एंड देयर आर कॉल्ड फंक्शंस, राइट। तो ये है फंक्शन ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ये फॉलो करती है टॉप डाउन अप्रोच को, कि दिस इज द टॉप डाउन अप्रोच, नॉट दिस वन, सॉरी, ये तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये है प्रोसीजर ओरिएंटेड, कि जहां पर हमने बात की थी, ठीक है, कि जहां पर हमने बात की थी टॉप डाउन अप्रोच के बारे में, कि मेन है मेन के बाद, लेकिन जब हम C++ की बात करते हैं तो इट इज अ बॉटम अप अप्रोच। तो फिर हमने बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब वो लैंग्वेज जहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स का सपोर्ट है, जहां पर आपका पूरा प्रोग्राम मल्टीपल क्लासेस में डिवाइडेड है, एंड दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंट। इसके पहले जो हमने बात की वो थी प्रोसीजर ओरिएंटेड, फंक्शन ओरिएंटेड फॉर्म। तो द लैंग्वेज वेयर द कंप्लीट प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्लास, ठीक है, तो ये हमने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड दिस इज व्हाट बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्यों? क्योंकि जहां मेन सबसे लास्ट में होगा और बाकी की पूरी क्लासेस ऊपर होंगी। फिर हमने बात की कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब द लैंग्वेज वो सपोर्ट ऑल दिस फीचर्स, कि जहां पर पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, हम सारी बातें करते हैं, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बीच में देर इज अ लैंग्वेज जहां इनहेरिटेंस को छोड़ के बाकी लैंग्वेज का सपोर्ट है, एंड दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एक डेफिनेशन ये भी दी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्लस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड मतलब जिसमें इनहेरिटेंस को छोड़ के बाकी के फीचर सपोर्टेड है, एंड दैट इज अ विजुअल बेसिक। बट इसका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन है वो है VB.NET। तो ये अभी हम लोगों ने बात की, कॉन्सेप्ट की बात की, प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड क्या डिफरेंसेस हैं, और इन सब में हमने अलग अलग लैंग्वेजेस की बात की। C++ इज मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट यस, इट सपोर्ट बोथ द प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो यदि हम चार टॉप मोस्ट लैंग्वेज की बात करें तो सी, इट इज अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड, ठीक है, C++ बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, एंड पाइथन अगेन बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जो टॉप फोर लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, C++, जावा एंड पाइथन, तो किस लैंग्वेज को किस कैटेगरी में रखा गया है? आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि किस लैंग्वेज में किस फीचर का सपोर्ट है। तो ये भी हमने बात की डिफरेंसेस के बारे में, और आई होप ये इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको समझ में आया है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि आगे अभी हम ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कि ये जो अभी हमने बात की है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट आर दिस फीचर्स, कि जो अभी हमने डिस्कस किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,
और तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चिंता नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।